सुबह का अभी 5:15 का समय हो चुका है और रात से लगातार बारिश हो रहा है। अभी बाहर निकलता हूँ और बाहर निकालने का साथ देखिए इतना खूबसूरत प्यारा सा व्यू, वाओ। और ये था होटल, होटल के बाहर टेंट लगा दिया था। अभी भी बारिश हो रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन रात को बहुत ज़ोर से आया था बारिश। और सच में इतना खूबसूरत प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलेगा, देख सकते, सोचा नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, वाओ। पूरा सफ़ेद बादलों से ढका हुआ है पहाड़ देखिए, और थोड़ा सा टेंट भी भीग चुका है पानी गिर के, इस तरह पूरा ये सब भीज गया है। कोई नहीं, चलिए ठीक हो जाएगा। और कल मैंने टी शर्ट गंदा हो गया था पूरा, टी शर्ट को भी धो दिया था, गमछा भी धो दिया, और मेरा जो साइकिल है वो होटल के अंदर रख दिया हूँ। तो अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, एडिटिंग कर लेता हूँ, उसका बाद मिलता हूँ, चलिए। और ऐसा कुछ है टेंट का अंदर, देख सकते। एडिटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, 7 बजने वाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। भाई इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ना, क्या ही बोला जाए, आप लोग खुद देखिए, लाजवाब व्यू। साढ़े सात का समय हो चुका है और कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है। बारिश में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रेवल करना, और कल तो मैंने टी शर्ट वगैरह धो दिया था बारिश के कारण, तो ये सब सूखा भी नहीं आज। लेकिन पन्नी ये जो है ना, ये लगाने पड़ेगा, पूरा बैग सेटअप बढ़िया से करने पड़ेगा। लेकिन फिर भी रेनकोट तो है, रेनकोट लगाने पड़ेगा शायद, तभी बारिश से बच पाएंगे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ठीक है, अभी मैं तो बहुत जल्दी उठ गया हूँ, लेकिन भैया लोग जो है ना अभी तक तो उठा नहीं है। ठीक है, अभी वेट करते हैं कब उठते हैं। एक्चुअली पावर बैंक भैया लोग के पास है ना, उसके वजह से मैं धीरे धीरे टेंट क्लोज़ भी कर लेता हूँ। चलिए टेंट क्लोज़ कर दिया, और अभी साइकिल भी बाहर लेके आ चुका हूँ, अंदर था, होटल खुल चुका है, माँ मनोसा ढाबा। यहाँ पे स्लीपिंग बैग है, पैकिंग कर दियो, और ये बैग का ऊपर वो तिरपाल लगा लूँगा। कल साइकिल को धो दिया था, देख सकते हो, अभी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जितना, मतलब वो था कीचड़, क्या बोलते हैं, कादा, सब मट सब निकल चुका है, और ये भीज गया। ये सीट कवर है, ऊपर का सीट कवर भीज चुका है। पेन को भी कल धो दिया था, लेकिन अभी भी सूखा नहीं है। ऐसा मौसम में बहुत झमेला रहता है, प्रॉब्लम हो जाता है, कपड़ा सूखता ही नहीं है। तो गाइस ये रहा ब्रेकफास्ट, रोटी और सब्जी, चलिए खाते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग का 10:30 बज चुका है, और पहले मुझे देखिए पूरा रेनकोट लगा लिया हो। अभी थोड़ा सा बारिश कम दिख रहा होगा, उस टाइम पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। ब्रेकफास्ट खा लिया बढ़िया से, और अभी आज का सफ़र में निकल जाता हूँ। आगे शायद फिर बारिश मिल सकता है, उसके लिए रेनकोट लगा लिया, और अभी भैया लोग को बाय बाय बोल के चलते हैं आगे की ओर। और इस तरह दो भाई लोग मिले, कैसा है खबर, बढ़िया? अच्छा ठीक है, बारिश के लिए रुक गया ना। चलिए चलिए, साइकिल भी पूरा लोडिंग हो गया मेरा। तो गाइस ये रहा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, चलिए ओके। आज चप्पल पहन लिया, नहीं तो बारिश में जूता भीग जाने से सूखेगा ही नहीं। कहाँ से साउंड निकल रहे पता नहीं, देखने पड़ेगा। और फाइनली भैया को बाय बाय बोल के निकल के आ चुका हूँ आज का सफ़र में।
भाई सामने का पहाड़ में जो बादल दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी। सामने देखिए धान का खेती किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और अभी मैं हूँ औरंगाबाद में, और यहाँ से आगे का रास्ता अच्छा है, बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन ज़्यादा तो अच्छा ही मिलेगा। और ऐसे बारिश का मौसम में साइकिल चला के तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो पहाड़ों के ऊपर ही देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत प्यारा लग रहा है जो बादल छाया हुआ है। यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने पड़ेगा अभी। तो गाइस सामने देखिए एक खूबसूरत सा पहाड़, पहाड़ों के ऊपर पूरा बादल छाया हुआ है, पहाड़ को ढक दिया पूरा। और इस तरफ नीचे देखिए धान का खेती काफ़ी खूबसूरत, एक छोटा सा नदी बह के आ रहा है। चलिए अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हैं। रास्ता तो ख़राब है भाई, आगे तक ख़राब है, साइकिल चला लेता हूँ। चलिए पीछे ट्रक भी आ रहा है। ओह माय गॉड। और मेरा बैक साइड में मतलब रेनकोट में ना पूरा कीचड़ उछल गया, मटगियर ख़राब है मेरा, कीचड़ पूरा उछल चुका है। ओ भाई ये तो ऑफ रोडिंग है पूरा। आगे अच्छा रास्ता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मस्त वाला ऑफ रोडिंग है। गुवाहाटी गुवाहाटी कैसे हो, बढ़िया? ओके चलिए। ओ भाई मज़ा तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसा रास्ता में। पहले तो नहीं चलाया साइकिल इतना ऑफ रोडिंग में। और बादल देखिए सराउंडिंग, अबे फिर से हल्का हल्का बूंदा बूंदी हो रहा है, बारिश तो रुक ही नहीं रहा है। ऐसे जाने पड़ेगा आज, बारिश में चलाने पड़ेगा साइकिल। सिलसर तो यहाँ से और 55 किलोमीटर जैसा होगा, देखता हूँ आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। चलिए ओके बाय 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 बाय। भाई बारिश थोड़ा जोर से आ गया। सिलसर यहाँ से और 56 किलोमीटर है, आइजोल 237। और अगरतला 338 किलोमीटर है। लाइन से ट्रक रुका हुआ है, एक का पीछे एक, एक का पीछे एक। अभी बोरो नारायणपुर जगह का नाम है, वहाँ पे पहुँचा हूँ। थोड़ा सा चढ़ाई है, धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए आगे की ओर जा रहा हूँ। ऊपर पहाड़ों पे पूरा बादल, आज शायद मैं बादल ही दिखाते रहूँगा। रियल काफ़ी खूबसूरत दिखता है। पता नहीं इसे ट्रक लाइन से क्यों रुका हुआ है। वाह बहुत लंबा लाइन है। रेनकोट लगा के रखा हो ना, पूरा पसीना पसीना हो गया अंदर, टी शर्ट पूरा भीग चुका है। कहीं पे रुकने पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। फिफ्टी थ्री किलोमीटर सिलसर। और इस तरफ देखिए पूरा कीचड़ पूरा उछलता है भाई।
मडगियर थोड़ा लंबा साइज का लेने पड़ेगा। तो चलिए अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहता हूँ। आज शायद ऐसे ही दिन भर साइकिल चलाने पड़ेगा बारिश में। और ट्रक का लेन 1 किलोमीटर जैसा हो गया, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ अभी। और इस तरफ देखिए पहाड़, लैंडस्लाइड ना होने के लिए बढ़िया से मजबूती से बनाया वॉल। देखें देखिए वाह, उस तरफ देखिए क्या खूबसूरत नज़र है, चल के दिखाता हूँ व्यू रुकिए। तो गाइस साइकिल वहाँ पे रख दो और अभी आप लोगों को एक खूबसूरत सा व्यू दिखाने के लिए आया हूँ। इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा ये व्यू, और वहाँ से ट्रेन भी जा रहा है। वो देखिए ट्रेन, वाह कितना मस्त दिख रहा है ना, क्या ही बोले। ओ माय गॉड, और ये जाटिंगा रिवर है ना? जाटिंगा रिवर है। अच्छा, वो सामने ये जाटिंगा रिवर है। पहाड़ों पे देखिए पूरा बादल छाया हुआ है। यही ट्रेन लाइन जाता है सिलचर अगरतला की ओर। वाओ, बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट। ठीक है, आप यहीं से हैं? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजोय। अच्छा अच्छा, ठीक है, डिमासा है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा लगा ये जगह ना, व्यू पॉइंट बहुत सुंदर है। सभी आते हैं यहाँ पर? सब आते हैं ना। संडे होने से पूरा। अच्छा, ये जगह का नाम क्या होता है? ये डिटेक्सरा है, ये डिटेक्सरा। अच्छा डिटेक्सरा ना, ठीक है चलिए। रास्ता तो काफ़ी मस्त रास्ता है, और क्या ही बोला जाए, खूबसूरत नेचर। वाह, चारों तरफ जहाँ पे नज़र जा रहे वहाँ पर ही बादल। आगे शायद एक नदी मिलेगा क्या, ब्रिज है फ्लाईओवर, देखते हैं चलिए जाके। ब्रिज जो दिखाया था वहाँ तक पहुँच गया हूँ। पहाड़ देखिए लैंडस्लाइड हो गया है, पूरा मिट्टी नीचे आ चुका है। रास्ता तो क्लियर है लेकिन, और अभी यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ नीचे। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा गहरा है, और देखिए छोटा सा नदी है ये। वाह, काफ़ी मस्त दिख रहा है। वहाँ से भी पानी आ रहा है देखिए। इस तरफ देखिए बहुत ख़तरनाक ये ऊंचा पहाड़ और पत्थर। ये हाल ही फिलहाल में लैंडस्लाइड हुआ था, अभी तो क्लियर हो चुका है रास्ता। वहाँ पे अभी भी है देखिए, वो तो बंद करके रखा है वाला ब्रिज। बहुत रिस्क है यहाँ तो चलता हूँ। एक्चुअली इस तरफ मुझे लगा था असम में इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरफ आया और देखा असम में भी बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। ऐसा लग रहा है अरुणाचल में आ गया मैं। मौसम भी वैसे ही होकर रखा है, अरुणाचल में भी ऐसे ही रहता है मौसम। असम का डिमा हासाओ में भी ऐसे ही है। सामने वाटरफॉल है छोटा सा, वो रहा देखिए बहुत सारा वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। ये देखिए पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है। वाओ, वो यहाँ पे भी देखिए मिट्टी गिर गया है, लेकिन ज़्यादा रास्ता तक तो नहीं आया, रास्ते का साइड में आ गया पूरा। देखिए बहुत रिस्क है ये सब जगह में। एक रिवर मिल चुका है देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरफ देखिए, ओह वाओ,
कसार फॉरेस्ट डिवीजन। आगे वहाँ पे एक बस स्टैंड देखने को मिला है। अभी सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम आराम करता हूँ, पूरा भीग चुका हूँ। मतलब रेनकोट का अंदर पता नहीं पानी कैसे चला गया पूरा। कुछ टाइम मोबाइल में भी पानी आ गया। रेस्ट करता हूँ, चलिए फिर मिलते हैं। आगे मौसम तो और ख़राब है, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये जगह का नाम है बंदर खल। अभी कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट करते, चलिए। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रेनकोट खोल दिया हो ना। और रेनकोट का पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा किचर सिटकता है भाई। चलिए अभी कुछ टाइम बैठता हूँ, शांति से आराम करता हूँ कुछ टाइम। बारिश लेकिन क्या बढ़िया लग रहा है, पूरा छोटा छोटा बूंद बारिश का। तो गाइस अभी कुछ टाइम यहाँ पर ही आराम किया है, और कल रात को भी उतना अच्छे से नींद नहीं आया। वो एक्चुअली ढाबा था ना, सो गया था रात को, फिर 3 बजे कस्टमर आया, मैं तो बाहर सो रहा था, फिर नींद टूट गया। उसके बाद फिर नींद आया ही नहीं, और उसके वजह से थोड़ा नींद भी लग रहा है। कोई नहीं, अभी तो सोएगा नहीं, चलता हूँ आगे की ओर। तो गाइस अभी मैं बस स्टैंड में बैठा हुआ था, तभी बंदर खाल ना, तो इस तरफ एक भैया जी आए हैं। भैया जी मुझसे मिलने के लिए, और हालचाल पूछा है, काफ़ी बढ़िया लगा भैया। भैया आपका नाम बोलिए। मृत्युंजय दास है। मृत्युंजय दास, अच्छा। और आपका घर? घर सिलसर है। घर सिलसर में, अच्छा। उसका नाम है हीरामणि होटल। हीरामणि होटल। और भैया ने देखे यहाँ पे, बोला कि चलो पुलाव खा के जाना, तो पुलाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो गाइस कुछ टाइम अभी भैया के होटल में था, और ये रहा होटल हीरामणि, देख सकते हैं। और बंदर खल, लेकिन अभी जस्ट बाहर निकला हो, बारिश हो ही रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा नींद भी लग रहा है मुझे। आगे जाता हूँ, जाके देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। साइकिल पीछे रखा हुआ है, रेनकोट तो पहनने पड़ेगा। चलिए, और भैया बोल रहे हैं अभी चाय पी के चलो, चाय पी लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मृत्युंजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो गाइस काफ़ी टाइम भैया के साथ बैठा हुआ था, बातें वातें किया, और काफ़ी अच्छा लगा। जल्दी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा हल्का सा बारिश कम हुआ है, तो चलता हूँ आगे की ओर। पहाड़ को किस तरह से काटा है, देखिए पत्थर का पहाड़ पूरा ऊँचा, और सामने पूरा बादल ही बादल। एक बात तो सही हुआ, रास्ता अच्छा है। अगर कल जैसा रास्ता होता भाई, हालत ख़राब हो जाता, और ऊपर से बारिश हो रहा है। कल तो उतना बारिश नहीं था, आज बहुत ज़्यादा बारिश मिल रहे। अभी गुवाहाटी से फ़ोन आया था मुझे एक दोस्त का, मैंने पूछा वहाँ का मौसम कैसा है, बोल रहा है कि पूरा गर्मी है। और अभी मुझे देखिए इतना प्यारा खूबसूरत, वाओ, नज़ारे के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और ये देखिए ना, इस तरफ कहाँ से झरना, वाटरफॉल छोटा सा, देखिए कहाँ से पानी आ रहा है भाई साहब। इसलिए घूमना चाहिए। मैं तो इसलिए जगह चेंज करते रहता हूँ, आज गर्मी कल बारिश, ऐसे ही होना चाहिए। हेलो गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ जा रहे हो? गुवाहाटी से आ रहा है, अच्छा। मैं तो अभी जाऊँगा अगर त्रिपुरा। हाँ हाँ, ब्लॉगिंग टिकलू ब्लॉग्स, टिकलू। ओके चलिए, कहाँ जाएगा आप लोग? अगरतला। ओके चलो, क्या लेके आया? चावल। चलिए ओके, चलिए ओके ओके ओके, थैंक यू।
अगरतला जा रहा है भाई लोग, गुवाहाटी से सामान लेके आया। और सच में मुझे कभी पता ही नहीं लगता ऐसा जगह भी असम में है। देख सकते हो ना क्या मस्त मस्त पहाड़, वाओ बादल। और इतना ज़्यादा मुझे वाटरफॉल मतलब नदी देखने को मिल रहे ना, क्या ही बोले। और ये जो थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है फेस में गिर रहा है, नेक्स्ट लेवल, बयां नहीं कर सकता इतना अच्छा लग रहा है। सिलचर और 47 है, बाप रे बाप, दूर तो है। तो गाइस सच में कभी कभी इतना अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं ना रास्ते में, बयां नहीं कर सकता हूँ। सपोर्ट कीजिए, बहुत दूर दूर तक घूम रहा है इस तरफ ये भैया, लाइक कीजिए। भैया लोग मिले, देख सकते हैं ना मैं साइकिल से जा रहा हूँ, तो भैया लोगों ने गाड़ी रुका के बातें तो किया, मिला है, काफी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा भैया, ओके थैंक यू सो मच। चलिए लाइक कीजिए, ओके धन्यवाद। ये जगह का नाम बताए, ये पंडकल मतलब आफलोंग रोड है, सिलचर और आफलोंग का मेन रोड है, हाईवे है ना, हाईवे रोड है ये। अच्छा तो अभी ना मुझे गाना गाने का मन जा रहा है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद। सिलसर 46, ये देखिए वाटरफॉल, इतना वाटरफॉल मिल रहा है देखने के लिए, वाओ। तो गाइस सामने ये देखिए जातिंगा रिवर, पानी तो पूरा घोला है, बारिश हो रहा है उसके वजह से पानी पूरा घोला, और वहाँ पे ट्रेन का लाइन हो रहा देखिए। अभी मैं यहाँ से आया हूँ और सबसे डेंजर ये देखिए इस तरफ पूरा लैंडस्लाइड, खतरनाक, पूरा पत्थर जो है ना इतना पूरा नीचे आ चुका है। रास्ता क्लियर हो गया अभी, लेकिन अभी भी पड़ा हुआ है देख सकते हो साइड में। ड्राइवर लोग तो देख देख के क्रॉस हो रहे हैं। चलिए मैं भी अभी चलता हूँ, ये सब जगह में रुकना बहुत ज़्यादा रिक्स है, और बारिश का मौसम है ना, पानी भी बहुत तेज़ जा रहा है देखिए। और मैं कहाँ हूँ भाई साहब, ये गिरने से मैं भी गया। चलिए चलिए। तो गाइस अभी दोपहर का 2 बज चुका है, मैं यहाँ से होते हुए जा रहा था, तभी यहाँ पे ये दुकान और भाई लोग है, भाई लोगों ने मुझे बुलाया तो मिलने के लिए चला आया। हेलो ब्रो, कैसे हो? अच्छा बढ़िया, अच्छा नाइस टू मीट यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिसुजा है। हाँ। ओ बढ़िया, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, ओके। और यहाँ पे भी है भाई, हेलो नमस्कार। हाँ। कैसे हो? बढ़िया है। चलो। और अभी भाई लोग बोल रहे हैं कि चाय पी के जाना है। तो, इतना हैरान हो के इधर से घूम रहे तो चाय तो पीना पड़ेगा ना। चलिए बारिश का मौसम, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। चलिए चाय पी के फिर चलता हूँ। और अभी मुझे एक बात पता चला, अभी जो भाई लोगों से मिला वो लोग खासी है, मतलब मेघालय में जो रहता है खासी ट्राइब, असम में ये जगह में खासी ट्राइब है, मतलब ये जो एरिया है। अभी तो मैं न्यू टिबोंग में हूँ, ये बस्तन पीछे देख सकते हो। तो मुझे पहले पता नहीं था ये असम में भी खासी लोग, खासी ट्राइब के लोग रहते हैं, तो ये भी नया चीज़ पता लगा, अच्छा लगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली व्यू। सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है छोटा सा, अभी उसे क्रॉस करना है। ये देखिए पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, चढ़ाई करके आया ना, गर्मी लग गया। और अभी एक खूबसूरत सा
वाटरफॉल भी देखने को मिला है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मस्त, वाह काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो रोड से आया हूँ, वाह क्या मस्त व्यू है देखिए, ओह माय गॉड। फोर हाथ साइकिल, और जब भी मुझे अच्छा अच्छा व्यू दिख जाता है मैं ऐसे साइकिल पार्क करके व्यू देखने के लिए चला जाता हूँ। तो गाइस अभी इस तरफ देखिए गाड़ी पूरा जाम लग चुका है, आगे रास्ता ब्लॉक है, उस तरफ भी गाड़ी फंसा हुआ है, इस तरफ भी गाड़ी फंसा हुआ है, और सब खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है। अभी जेसीबी से क्लीन कर रहे हैं जितना भी पत्थर वगैरह है रास्ते में, देख सकते हो खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन देख सकते तो बस अभी भी ना पत्थर गिर रहे वो देखिए छोटा छोटा पत्थर, भाई साहब बहुत ज़्यादा रिक्स है और लगातार बारिश हो रहा है ना, और अभी 15 मिनट पहले ये लैंडस्लाइड हुआ है। और गाइस बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता देखिए वो वाला वाल है ना, कितना बड़ा रास्ता था, ये पूरा इतना एरिया ना ब्लॉक हो गया देखिए वहाँ तक। पीछे बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ था, क्लियर हो चुका है रास्ता, और अभी यहाँ पे भी देखिए लैंडस्लाइड, वो वाला रास्ता बंद है। बारिश तो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब। 30 किलोमीटर सिलसर आइजोल 211 अगरतला 312 नेशनल हाईवे 27 पहाड़ का रास्ता ख़त्म करके अभी प्लेन रास्ता में पहुंच गया हूँ, देख सकते हैं वाह काफ़ी दिनों के बाद पूरा प्लेन हाईवे देखने को मिला है। सिलसर और 29 किलोमीटर है। तो गाइस यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों के बाद टोल प्लाजा देखने को मिला है, और उस तरफ टी गार्डन है, अभी तो अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, आगे मिलने से दिखाते हैं। चलिए टी गार्डन, और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, देखिए फुटबॉल खेल रहे। तो गाइस अभी शाम का 4 बज चुका है, और फाइनली अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा बारिश में भीग गया, नीचे का टी शर्ट भी पूरा भीग चुका है, रेनकोट पहना था फिर भी भीग गया, लगातार बारिश हो रहा है ना उसकी वजह से। अभी आगे बढ़ते रहता हूँ सेंसर की ओर, अभी रेनकोट वगैरह सब कुछ खोल लिया हूँ, और ये रहा दुकान, दुकान से एक कैरी बैग लेके यहाँ पे बांध दिया हूँ। तो गाइस इस तरफ देखिए चाय का बागान, कितना खूबसूरत टी गार्डन, डोलू पहुँच गया हूँ, सिलसर सीधा, इम्फल सीधा, उधर बंद वो भी सीधा, मार्केट एरिया डोलू का।
और ये डिस्ट्रिक्ट कसार, डिमा हसाव डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अभी कसार डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुका हूँ। डोलू टी फैक्ट्री ऑफिस, कितना प्यारा दिख रहा है, दिखे व्यू, पूरा स्ट्रीट रास्ता, पूरा सीधा रास्ता दोनों तरफ, छोटा छोटा पहाड़, हरियाली, वाओ। और ये छोटा छोटा पहाड़ों के ऊपर टी गार्डन, काम करके आ रहा है टी गार्डन से। तो गाइस शाम का अभी 5 बज चुका है और सच बोल रहा हूँ, आज शाम को ऐसा कुछ हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। सुबह से तो लगातार बारिश से भीगते हुए आ रहा हूँ और अभी यहाँ पे मुझे एक सर जी मिले, इस तरफ है सर जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? राजीव नाथ। राजीव नाथ। और सर जी जो है, 2 साल जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया तब से मुझे मेरा वीडियो देखते, तो आज फाइनली सर से मुलाकात हो गया और सर जी मुझे मतलब ढूंढते हुए आगे चला गया था, फिर अभी जाके मिला है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत दिल खुश हो गया आपसे मिलके। और एक्चुअली अभी सर के घर जाने के लिए थोड़ा सा अंदर रास्ता है, आगे से वहाँ से एक मार्केट है, वहाँ से जाने पड़ेगा 60 किलोमीटर ना? नहीं, 15। अच्छा, 15 किलोमीटर जाना है और शाम होने वाला है, तो उसके वजह से सर जी ने बोला आपका साइकिल गाड़ी में उठा लीजिए, तो एक्चुअली मैंने आगे वाला चक्का निकाल लिया हूँ, फिर यहाँ पे साइकिल डाल दिया हो, और इस तरफ सामान जितना है अभी ये सब भी अंदर डालता हूँ। चलिए, और सच बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं सोच रहा था शाम होने वाला है, कहाँ पे रुकूँगा क्या नहीं, लेकिन सर जैसे मुलाकात हो गया, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। चलिए, शाम का 5:30 बज चुका है और फाइनली पहुंच गया हूँ सिलचर। शाम का टाइम है थोड़ा सा, इसलिए जाम ट्रैफिक होके रखा है। सामान नीचे रख दिया हूँ रूम में आके, सर के घर में पहुंच गया हूँ और फाइनली नहा धो के भी फ्रेश हो गया हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय आया होम, बाय बाय।